अपने फादर के डेथ के बाद इन्होंने पहली लाइन में जाके उसको टेम्पर कर दिया। इसमें बैठ के कोई सुलह समझौता हो सकता है आप लोगों के बीच में? 23 साल से इन्होंने इतना हमें परेशान करा, इनकी वजह से हमारी मदर की डेथ हुई, हार्ट अटैक। देखिए बात सुनिए, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, है? बिल्कुल नहीं है। इनसे तो बिल्कुल नहीं है? है। आपके भी सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं उस संपत्ति से। हाँ जी सर, अगर अगर बैठ के आप लोग, यू आर कजन्स टू ईच अदर, अगर फैमिली में कोई सेटलमेंट हो जाए, बिकॉज देन इट विल बी गुड फॉर द फैमिली। सर एक आपने 13-10 का ऑर्डर करा था 2022 में कि 3 महीने में एक केस डिसाइड करना है, तो कौन सा वाला केस? मैं पटिशन एक अपीलेंट इन पर्सन सर, दिनेश चोपड़। ठीक, यू आर श्रीमती स्वर्णा देवी, हाँ जी, ये मदर का नाम है। राकेश चोपड़ा। हाँ जी, हाँ, यस। ये प्रॉपर्टी जो हमारे फादर ने, हाँ, ये वो तो आप लोगों का कुछ फैमिली डिस्प्यूट था ना खाली करने का। दो डिस्प्यूट्स अलग अलग हैं। हाँ जी सर, एक तो डिस्प्यूट ये है कि आपका कहना ये है, वन ऑफ द विंग्स, आई डोंट रिमेम्बर द फेसेस, कि उनके बड़े भाई ने खरीदी थी और वो दिल्ली चले गए तो छोटे भाई ने संपत्ति को जो है अपने नाम से करा लिया। हाँ जी, वो छोटे भाई थे हमारे फादर, अच्छा, इनके बड़े भाई को जो एज ए लाइसेंसी रहने के लिए दिए थे वो लाइफ टाइम। वो जो है उन्होंने अपने नाम करा ली। नहीं सर, उसमें हमने आपके एमए में रिव्यू लगाई थी, उन्होंने एक्चुअल अपने नाम पे नहीं कराई थी। इन्होंने क्या कराया, रिस्पोंडेंट 2 और 3 ने अपने फादर के डेथ के बाद इन्होंने पहली लाइन में जाके उसको टेम्पर कर दिया उसमें एच सेल डीड को। अच्छा, बाकी आप नरेशन सेल डीड की पढ़ेंगे, सारी हमारे फादर के नाम से है, इनका कहीं पे जिक्र नहीं है। अच्छा, और ये कोर्ट कंप्रोमाइज डिग्री बेस के ऊपर सेल डीड स्टार्ट हुई इसमें रिकॉर्ड है ट्रायल कोर्ट का? देखिए, इनके सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पे क्लेम था सर, एक ये कह रहे थे ओरल कंसेंट डील सेलर सदारी बेगम से इन्होंने खरीद लिया जिससे हमारे फादर ने कोर्ट कंप्रोमाइज डिग्री से खरीदा, जी दूसरा इनका क्लेम था कि ये विल से मालिक बने हैं जी और ओरल कंसेंट डील हुई है। एक्चुअल में इन्होंने ये लिखा है कि इनके फादर ने कराया, जी जब हमने सारी प्लीडिंग और सारे फैक्ट्स पे गए तो, और इनके दोनों भाइयों, बड़े भाइयों ने भी इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है, ये 7 भाई बहन हैं, जी सिर्फ एक भाई सामने आया है जी अपना ओनरशिप क्लेम करने के लिए, ओके, और कोई नहीं आया। और उनका प्ली ये है कि उनको उनके फादर ने डेथ से 2-3 साल पहले बताया है कि वो सेल डीड के थ्रू मालिक है, जी बाकी किसी को फैमिली मेंबर वो सेल डीड की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से और फॉरेंसिक जांच हुई है क्या? नहीं सर, उसमें तो क्लियर है कि उसमें फर्स्ट लाइन, बाकी नरेशन जो है अगर आप देखेंगे दिखाइए तो रिपीटेड पैर में हमारे फादर का ही नाम लिखा इट इज हुआ, एग्जिबिट एग्जिबिट P2 and P3 सर। P2 में अपना इनकी मैनिपुलेटेड वाली है और P3 में सब स्टार की, पर ये सब स्टार के रिकॉर्ड में कामयाब नहीं हो सके सर, वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं कर सके, तो इन्होंने रिकॉर्ड फड़वा दिया। फिर हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट डाली तो उन्होंने रीस्टोर का ऑर्डर करा और इनको 12,500 रुपये का जुर्माना लगा। सेल डीड कर कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ सर, एक मिनट रुक गया, मैं दस्तावेज तक पहुँच गया। हाँ जी सर, ठीक है सर, चोपड़ा साहब, इसको फाइनली सुनना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। आप बताइए, एक दिन इसको बुधवार या गुरुवार को रख लेते हैं फाइनल हियरिंग के डेट दिन, इसको फाइनली सुन लेते हैं इसको। ठीक है, इनका टोटल केस सर हाँ फॉर्जरी ठीक है फ्रॉड ठीक है, पे जो है। भी केस बनेगा आपका, जो भी लॉ में बनेगा वो देखा जाएगा, दैट इज नॉट ए इशू। और 2009 में सर, 31/1/2009 को ऑलरेडी जो है इसके ऊपर हमारे पेपरों पर फाइंडिंग आ चुकी है, कोर्ट ने राकेश, रीडिक्लेयर कर दिया हमारे फादर। ठीक, इनको सर एक रिप्लाई के लिए ऑर्डर करा था जी जस्टिस हृदय जी ने 12/12/22 को, वो हो गया, रिप्लाई आ गया है आपका, दे दिए, नहीं दिया सर, कॉपी दे दीजिए, आपको आपने दे दिया तो कॉपी दे दीजिए। 41/27 सर, 41/27 सर, 41/27 थी, 340 CRPC की, 340 करेंगे, 41/27 देना है कि आपको 340 का, तो फिर दे दूंगा मैं सर आपको, फिर इसको फिर इसमें ये मत रखिए, फिर इसमें लिखिए प्रेस फॉर श्री खरे, RP खरे, प्रेस फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई टू एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 340 CRPC। एंड वन एक और आई है सर, शॉर्ट सेंटेंसेस इन क्रॉनिकल मैनर्स, जिसमें हमने थोड़ी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट को कि हमारी फर्स्ट अपील में जो कोई पैरे रह गए हैं, मतलब वो हमने लिखने से वकील साहब की गलती से नहीं लिखे गए, सिर्फ उसमें डेट है और कुछ लाइनें हैं सर जो हम उसमें लिखना चाहते हैं। दे दीजिएगा आप क्रोनोलॉजी दे दीजिएगा, ठीक है, उसी वक्त देख लेंगे। लिस्ट ऑन, February 2024। एक रिक्वेस्ट और थी सर, जी, इसको थोड़ा ऊपर लगवा देते तो हमें, इसको बोल दिए फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉजेस टॉप ऑफ द लिस्ट। थैंक यू, 15 फरवरी की डेट है, आप इसके पहले रिप्लाई दे दीजिए, उसके खरे टू फाइल रिप्लाई ऊपर कनेक्ट कर लीजिएगा, सब अभी डिसजॉइंटेड है, धन्यवाद, विद इन 2 वीक्स
विद एन एडवांस कॉपी टू, आप इनके पते पर भेज दीजिएगा रजिस्टर्ड डाक से जी। इसमें बैठ के कोई सुलह समझौता हो सकता है आप लोगों के बीच में? इसमें सर उसके टाइम निकल गया सर, ये 23 साल से इन्होंने इतना हमें परेशान करा, इनकी वजह से हमारी मदर की डेथ हुई हार्ट अटैक। देखिए बात सुनिए, टाइम तो किसी चीज का नहीं निकलता, ठीक है, और जब समय आता है तभी काम होता है। सुलह समझौता हो सकता है तो उस सुलह समझौते के लिए रखें। हमारे फादर की और मदर की इच्छा थी कि हम यहाँ पे कोई बिजनेस करें, हम तो 23 साल से वेट कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, अपन प्रैक्टिकल बात करें, आई हैव नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। पर इसमें सर कोई चांस बनेगा नहीं, अगर शुरू में करते हमसे बात करते स्टार्टिंग में जब केस हमने डाला था। आज भी बात हो सकती है, पूछ लें खरे साहब से, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। हैं बिल्कुल नहीं है, इनसे तो बिल्कुल नहीं है। नहीं इनसे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? संभावना ही नहीं मुझे मालूम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए गुड। आपने पहले एक बार बैठा था इन दोनों भाइयों को? नहीं वो तो दूसरी विंग के दो भाइयों को बैठाया था, जिसमें कि झगड़ा ये था कि वो मकान और दुकान का झगड़ा, दुकान खाली करने की बात थी, वो दैट इज डिफरेंट। नाउ दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रीम। हां जी, दे वर रियल ब्रदर्स जी। हां जी, हैविंग अ कॉमन फादर जी, दे आर अंकल, सन ऑफ अंकल जी जी ऑफ दैट फैमिली, दैट ब्रांच ऑफ फैमिली। They claim that the property was in fact obtained by their father जी. and not by the father of the branch which is represented जी. by you. जी जी जी, ठीक है। And they have tempered the documents. तो ये जो है issue जो है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या वो बैठ के पता कर, हम उनको inform कर देंगे अगर बीच में inform कर देंगे? नहीं वकील साहब, आप you cannot be a passive player. अगर आप उनको समझाएंगे, इनका बैठने का तो इनके ये तो बाहर से आते हैं तो या तो 25 ही को बैठा लेंगे। नहीं नहीं, 25 को क्यों बैठा लेंगे? अभी तो जनवरी की डेट लगाई है, 15 फरवरी की डेट लगाई तो नहीं। अगर हियरिंग के दिन लगा है, आपको पहले से बताना पड़ेगा। आप 2 बजे पूछ के बताइए अपने पक्षकार से, हम आपको रोक लेते हैं 2 बजे, 2:15 बजे पूछ। कल का हमारी वापसी है। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर बैठने को तैयार है आपके पक्षकार तो बात करिए। ठीक है सर, मुझके 2:15 बजे बताइए, आप 2:15 बजे आइए प्लीज। सर एक मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हाँ, जो इन्होंने एमए का केस डाला है जी। उसमें रिस्पोंडेंट वन ने सारे पेपर हमारे फादर के यूज करे हैं और ये मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक करके। देखिए राकेश जी, ऐसा है कि वो तो जब मेरिट्स देखेंगे तब ये सब बातें सुनेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अभी मेरिट्स नहीं सुन रहे, अभी प्रयास ये कर रहे हैं दैट एडमिटेडली दे आर इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग, राइट? ठीक है, आपके भी सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं उस संपत्ति से। अगर अगर बैठ के आप लोग यू आर कजन्स टू ईच अदर, ठीक है, अगर फैमिली में कोई सेटलमेंट हो जाए बिकॉज देन इट विल बी गुड फॉर द फैमिली। ठीक है सर, ठीक है, इसलिए हमने पूछा, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैरिट पर तो सुनेंगे 15 फरवरी को, जो भी होगा जितना समझ में आएगा जैसा कर देंगे, लेकिन उसके पहले अगर कुछ प्रयास हो सकता है। नहीं आप सो काइंड ऑफ यू सर, 2:15 बजे बताइए, 2:15 बजे आइएगा प्लीज। सर इसमें रिमाइंडर फाइल कर दिया है, एक कॉपी दे दी है बैंक को भी। मैटर क्या है? मिस चेक सप्लाई दी कॉपी ऑफ रिमाइंडर बता दो।